नमस्कार दर्शकों, महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य लड़ा गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी कौरव पांडवों से नफरत करते थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में एक पुत्र ऐसा भी था जिसने पांडवों पर किए जा रहे अत्याचार का विरोध भी किया था। महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र के पुत्र मोह और दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। महाभारत का युद्ध सबसे विनाशकारी युद्ध में से एक माना जाता है। दुर्योधन के 100 भाई थे, लेकिन एक भाई ऐसा भी था जो दुर्योधन के अनुचित कार्यों का खुलकर विरोध करता था। दुर्योधन के इस भाई का नाम विकर्ण था। विकर्ण था कौन? विकर्ण धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक था, जो महारथी होने के साथ साथ न्यायप्रिय और विद्वान व्यक्ति था। द्रौपदी चीरहरण का विरोध करने के बाद जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ, तो विकर्ण ने भाई धर्म का पालन करते हुए कौरवों की तरफ से पांडवों से युद्ध किया। विकर्ण ने द्रौपदी के चीरहरण का विरोध किया था। शकुनी के कहने पर कौरवों और पांडवों के बीच जुआ का खेल आरंभ हुआ। युधिष्ठिर ने जुए में सब कुछ दांव पर लगा दिया। जब उनके पास कुछ भी शेष नहीं बचा, तो अंत में उन्होंने द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया। युधिष्ठिर द्रौपदी को भी जुए में हार गए, तो द्रौपदी को सभा में बुलाया गया। दरबार में सभी लोग सिर झुकाकर इस अत्याचार को देख रहे थे, तब कौरवों की तरफ से विकर्ण ही वो व्यक्ति था जिसने द्रौपदी को सभा में बुलाने का विरोध किया था। जबकि इस सभा में राजा धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य भी उपस्थित थे। दुर्योधन और दुशासन का विरोध किया। दरबार में जब सब मूक दर्शक बने थे, तब विकर्ण ही था जिसने अपने भाई दुर्योधन और दुशासन के इस कृत्य की जमकर आलोचना की और अनुचित बताया। विकर्ण का वध करने के बाद भीम को हुआ था दुख। जी हाँ दर्शकों, महाभारत के युद्ध में जब भीम का सामना विकर्ण से हुआ, तो पहले तो भीम विकर्ण से युद्ध नहीं करना चाहते थे। तब विकर्ण ने भीम से कहा, वे जानते हैं कि कौरवों की हार होनी है, लेकिन वे सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और कर्तव्य का पालन करने के कारण ही उन्हें युद्ध करना पड़ेगा। द्रौपदी के अपमान पर विकर्ण का कहना था कि उस समय जो उचित था वही किया और हर गलत कार्य पर ऐसे ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए। विकर्ण ने भीम से कहा कि आप परेशान ना हो, शस्त्र उठाएं, यही धर्म कहता है। इसके बाद भीम और विकर्ण में भीषण युद्ध हुआ और अंत में भीम ना चाहते हुए भी विकर्ण का वध करना पड़ा, जिसके बाद भीम को बहुत दुख भी हुआ। तो दर्शकों, ये थी महाभारत की एक अनसुलझी कहानी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट 9 इस फीचर से रजत की रिपोर्ट।